हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी यम्मी ट्राई कलर पास्ता की रेसिपी। तो देर नहीं करते हैं, बढ़ते हैं हम किचन की तरफ, देखते हैं इसे कैसे बनाना है। उसके लिए यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक पैन में तेल गरम कर लिया है। तेल के गरम होते ही हम यहाँ पे डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे हमने बारीक काट लिया है। प्याज को हम थोड़ा तेल में लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के उनका कच्चापन जो स्मेल है जाने के, तो थोड़ा से मिक्स करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ डालेंगे एक बारीक कटी हरी मिर्ची, दो मीडियम साइज़ का टमाटर और थोड़ा सा ग्रीन पीस यानी हरे मटर। मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर ही यूज़ किए हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे ढक के पका लेंगे। हमारे टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें जो हमारा बॉईल करके रखा हुआ ट्राई कलर पास्ता है वो डालेंगे, 1 चम्मच टमाटर सॉस और फाइनली इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। हमारा ट्राई कलर पास्ता बन के रेडी है सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए आपको कैसा लगा। और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब